फ्रेंड नमस्कार, यहाँ पर एक ऐसी रेमेडी है जो आपकी स्किन को इतना ग्लो कर देगी और टैनिंग को दूर कर देगी। तो इसके लिए आपने ले लेना है 1 चम्मच हल्दी का और उसको तवे में अच्छी तरह भून लेना है ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। जब आप उसका देखोगे कलर, देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है, तो आपने ले लेना है 1 चम्मच हल्दी और 1 पाउच आपने नेस्कैफी का ले लेना है छोटा वाला, और डाल देना है 1 चम्मच हनी को। तो ये रेमेडी इतनी अच्छी है फ्रेंड्स, अगर आप इसको अपने हफ्ते में एक बार यूज़ करोगे तो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। तो देखिए यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ और मैंने यहाँ पे अपना टावल लगा लिया और शुरू हो गई। आप इसको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर लगाइए, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हो निकलता है इस रेमेडी का। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे पैक को लगा दिया है और इसको आपने 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। कम से कम 10 मिनट्स तो आपको छोड़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, आपके टाइम पे डिपेंड है। और देखिए उसके बाद आपने ले लेना है थोड़ा सा पानी। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद जब ये थोड़ा सूख जाए तो आपने पानी ले लेना है और इसको हल्के हाथों से मसाज शुरू कर देनी है। मसाज में वही है, हर स्टेप आपका ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो अच्छी तरह आपने 5 से 10 मिनट मसाज कर देनी है इसकी। देखिए यहाँ पर मुझे 5 से 10 मिनट हो गए हैं मसाज करते हुए। उसके बाद आपने ले लेना एक हैंकी कॉटन का और पानी के साथ इसको अच्छी तरह साफ कर लेना। और देखिए फ्रेंड्स कितनी स्किन में चेंज आ गया, कितनी स्किन ग्लोइंग कर रही है, कितना साफ सुथरा चेहरा हो गया। काफ़ी अच्छी रेमेडी है, इसको आप जरूर हफ्ते में एक बार कीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पर पैक को उतार दिया, कितना अच्छा लग रहा है। आप थोड़ी मसा वो एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना अच्छा है। तो बाय बाय।